Hello students, a very very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on diaspora theory. So diaspora theory is also a part of your post-colonial theory, but yes, it is in some books it is considered as a separate theory. That is why I have tried to include it here as a separate class. Hello Rupali, Momi, Shashwati, Anamika ji, Purva, good evening, welcome. So this is the topic for today's class, diaspora theory. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. Hello Rashmi, good evening, welcome. My name is Srishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English literature 3 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 1 year of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. Hello Umit sir, good evening, welcome. So this is the link of my Telegram channel. I have also posted the link in the description box. So jinhone bhi join nahi kiya hai wo join kar lena, and please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel so that many more new learners can join. Nazreen, Sushmita, good evening, welcome. So जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हो प्लीज एक बार लाइक एंड शेयर कर दो ताकि और भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सके. एंड दिस आर द टाइमिंग्स ऑफ द क्लासेस फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स. इसी टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है. मंडे टू फ्राइडे 2 क्लासेस एंड सैटरडे संडे 1 क्लास. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी लाइव. प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन. ओके सो लेट्स बिगिन. हम डायस्पोरा थ्योरी की बात करने जा रहे हैं आज. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंट्रोडक्टरी डिटेल्स हम देख लेते हैं कि व्हाट इज डायस्पोरा, डायस्पोरा टर्म कहाँ से आया, इसका क्या मेन कितने सारे टाइप्स है डायस्पोरा का. वी विल टॉक अबाउट दैट. सो लेट्स बिगिन. सो द वर्ड डायस्पोरा हैज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड डायस्पियर. ये टर्म आया है डायस्पियर से, विच मीन्स आई स्कैटर और आई स्प्रेड. मतलब एक टाइप का स्कैटरिंग जो यहाँ पर मीनिंग हमें दिख रहा है, दैट मीन्स स्कैटरिंग. सो डायस्पोरा हैज कम फ्रॉम दिस वर्ड, जिसका ये मीनिंग है कि आई स्कैटर और आई स्प्रेड. दिस इज द मीनिंग. हेलो सुप्रियो, कविता, पापड़ी, ऋषभ, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, वेलकम. सो द टर्म रेफर्स टू अ स्कैटर्ड पॉपुलेशन हुज ओरिजिनल जियोग्राफिकल लोकेशन इज इन समवेयर एल्स. तो डायस्पोरा इन जनरल, हेलो रितिका, गुड इवनिंग, वेलकम. सो डायस्पोरा इन जनरल यू ऑल नो दैट इट इज टॉकिंग अबाउट अ स्कैटर्ड पॉपुलेशन जो अपनी होमलैंड से बाहर है या फिर अपनी होमलैंड से बहुत दूर है फॉर एनी रीजन. वी विल टॉक अबाउट द रीजंस आल्सो. विकास, गुड इवनिंग, वेलकम. सो स्कैटर्ड पॉपुलेशन की बात होते हैं हुज ओरिजिनल जियोग्राफिकल लोकेशन इज इन समवेयर एल्स एंड ही और शी इज लिविंग इन समवेयर एल्स. सो डायस्पोरा का अगर हम इन जनरल मीनिंग देखें तो यही है कि स्कैटर्ड पॉपुलेशन. एंड दैट इज वाई देखो जो ओरिजिनल टर्म था उसका भी मीनिंग वही था, आई स्कैटर और आई स्प्रेड. नो विकास, इट इज नॉट, यू आर नॉट लेट. दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, आई हैव जस्ट स्टार्टेड. रबिया, गुड इवनिंग, वेलकम. ओके सो दिस इज अबाउट द थिंग. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायस्पोरा. बेसिकली डायस्पोरा तो कई सारे टाइप है. अफ्रीकन डायस्पोरा, साउथ एशियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा, ठीक है, ब्लैक पीपल का डायस्पोरा होता है. बट बेसिक अगर हम बात करें, मतलब ब्रॉडर जो डिविजन होता है, दैट इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स. वन इज क्लासिकल एंड अदर इज एथनोस्केपिक. नाउ व्हाट आर द 2 थिंग्स, क्लासिकल एंड एथनोस्केपिक. सो क्लासिकल डायस्पोरा मीन्स द डिस्पर्शन ऑफ ए मास पॉपुलेशन फ्रॉम देयर इंडिजिनस प्लेसेस ड्यू टू सम हिस्टोरिकल कैजुअलिटीज लाइक द ज्यूज. तो मतलब क्लासिकल डायस्पोरा का मतलब है, दोनों का ही मीनिंग सेम है. डायस्पोरा मीन्स द डिस्पर्शन और डिसलोकेशन ऑफ योर होमलैंड, सॉरी डिसलोकेशन फ्रॉम योर होमलैंड एंड यू आर सेटलिंग समवेयर एल्स. दिस इज वेरी कॉमन थिंग ऑफ डायस्पोरा. बट अगर दोनों टाइप्स की हम बात करें तो कॉज डिफरेंट हो जाते हैं. क्लासिकल डायस्पोरा मीन्स की इट इज अ फोर्सफुल रिमूवल. इन दैट सेंस फोर्सफुल रिमूवल ड्यू टू सम हिस्टोरिकल कैजुअलिटी, जैसे ज्यूज को एलिमिनेट कर दिया गया, राइट.
जी उसको एलिमिनेट कर दिया गया बिकॉज आप सभी जानते हो कि नाजी जर्मनी में हिटलर हैड दिस बिलीव दैट ओनली जर्मन्स कैन लिव देयर एंड ऑल द ज्यूज मस्ट बी किल्ड, ऑल द ज्यूज मस्ट बी ड्रिवन आउटसाइड ऑफ जर्मनी बिकॉज जर्मनी इज अ कंट्री ऑफ प्योर आर्यंस, जो हिटलर ने बताया. तो वो एक हिस्टोरिकल कॉज था, एक हिस्टोरिकल पॉलिटिक्स के कारण उनको जाना पड़ा अपनी जगह से. सो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डायस्पोरा बट दैट इज क्लासिकल डायस्पोरा. ठीक है, इट इज क्लासिकल डायस्पोरा. है यस प्रिया, गुड इवनिंग, वेलकम. दूसरे आते हैं एथनोस्केपिक डायस्पोरा विच मीन्स की द डिस्पर्सल ऑफ पीपल ड्यू टू कैपिटलिज्म लाइक द इंडियंस इन द मिडिल ईस्ट. तो एक होता है कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के कारण जो एथनोस्केपिक डायस्पोरा है, एंड जो क्लासिकल डायस्पोरा मैंने बताया दैट इज ड्यू टू सम हिस्टोरिकल कॉज और एनी काइंड ऑफ, मतलब फोर्सफुल. ठीक है, यहाँ पर फोर्स की बात हो रहा है. सो बेसिकली ब्रॉडर, इन ब्रॉडर डिविजन डायस्पोरा कैन बी ऑफ दीज टू टाइप्स, क्लासिकल एंड एथनोस्केपिक. एंड डायस्पोरा में जो भी चीजें आते हैं, बहुत कॉमन कुछ टर्म्स हम देखते हैं लाइक मार्जिन, बॉर्डर, डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन. ओके, बॉर्डर दो बार हो गया, मार्जिन, बॉर्डर, डिस्प्लेसमेंट, माइग्रेशन, ये सारे के सारे जो टर्म्स है ये डायस्पोरा थ्योरी और डायस्पोरिक लिटरेचर में बहुत ज्यादा आते हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट बेसिक थिंग ऑफ डायस्पोरा कि वर्ड कहाँ से आया, मेन सिग्निफिकेंस क्या है, एंड द टू टाइप्स, क्लासिकल एंड एथनोस्केपिक. अब बारी आते हैं कि ओरिजिन एंड द यूज ऑफ टर्म डायस्पोरा. ये डायस्पोरा जो टर्म है, व्हाट इज द ओरिजिन, तो मैंने आपको बताया, बट इसका यूसेज कैसे चेंज हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ, देन इट इज चेंज. तो कैसे चेंज हुआ इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ओरिजिन एंड यूज ऑफ द टर्म डायस्पोरा. सो व्हाट इज द थिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टर्म डायस्पोरा इट ओनली रेफर टू द ज्यूज. आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड टू यू कि क्लासिकल डायस्पोरा जो कि डिस्पर्सल और डिसलोकेशन ऑफ द ज्यूज ड्यू टू सम हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल रीजंस इन नाजी जर्मनी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डायस्पोरा जो टर्म है ये ज्यूज के लिए ही अप्लाई किया जाता था बिकॉज, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंस ऑफ दिस टर्म डायस्पोरा इज वेरी नैरो. इट इज ओनली कन्फाइंड विद इन द ज्यूज एंड द कंडीशन ऑफ द ज्यूज इन नाजी जर्मनी. तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए इसको बताया जाता था. यस सेरी, गुड इवनिंग, वेलकम. तो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के अंदर ये टर्म लिमिटेड था, दैट इज अमंग द ज्यूज हु आर होमलेस सिंस बिब्लिकल टाइम. आप सब मोसेस की स्टोरी जानते हो, राइट, जो बाइबल में था. तो उसी टाइम से आ रहा है कि ज्यूज आर द ऑप्रेस्ड क्लास, ज्यूज आर द होमलेस पीपल, एंड बाद में हमने जो देखा हिस्ट्री में वही चीज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट रेफर्ड ओनली टू ज्यूज. यस, द कॉन्सेप्ट ऑफ वांडरिंग ज्यूज. ओके, ज्योति सिंह, प्रीवियस स्लाइड प्लीज, वंस प्रीवियस स्लाइड, दिस वॉज द प्रीवियस स्लाइड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टर्म वॉज यूज ओनली टू डिस्क्राइब द ज्यूज बट आफ्टर दैट इट चेंज्ड. बाद में ये चेंज हो गया, मतलब टर्म का मीनिंग चेंज नहीं हुआ बट इसका जो यूज है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो और ब्रॉडर हो गया. ठीक है ज्योति, जब कंप्लीट हो जाए तो बता देना, देन वी विल मूव अहेड. सो आप सभी वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कर दो. क्वेश्चन पेपर नहीं है, नो चेरी, आज इस क्लास में क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन मैंने मॉर्निंग के, मतलब सुबह की क्लास में मैंने डिस्कस किया. हम नेक्स्ट में, नेक्स्ट चीज में हम जाएंगे. ओके, सो अच्छा, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं क्लास को. हाँ, मोसेस का जो स्टोरी था, मतलब उस स्टोरी में जो मोसेस इज नोन एज द सेवियर ऑफ ज्यूज एंड ज्यूज को, ज्यूज लोग जब भाग रहे थे देन मोसेस हेल्प्ड देम एंड रेड सी के ऊपर एक टाइप का मिथ था कि रेड सी के ऊपर एक टाइप का ब्रिज बना दिया गया जिसके ऊपर से ज्यूज जा पाते हैं. सो इन दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी था. सो मुझे कम्प्लीटली अभी याद नहीं आ रहा बट यही मेन प्लॉट था बिब्लिकल स्टोरी का. आप इंटरनेट में सर्च करके देख सकते हो. दैट इज वाई मोसेस एंड द रेड सी एंड मोसेस एक्चुअली हेल्प्ड द ज्यूज टू एस्केप फ्रॉम देयर टॉर्चर. दैट इज वाई. हाँ, ओनली मॉर्निंग सेक्शन में एमसीक्यू था. यस ओके, चलो हो गया. सो ये बात है डायस्पोरा का. नाउ वी टॉक अबाउट
हाँ, जो मैं बात कर रही थी, ओरिजिन एंड यूज ऑफ द टर्म डायस्पोरा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट रेफर्स टू ज्यूज एंड लेटर इट इज यूज फॉर अदर नेशनलिटीज ऑल्सो. यस, मोसेस सेव्ड द ज्यूज फ्रॉम इजिप्टियन पीपल. हाँ, तो इट इज यूज फॉर अदर नेशनलिटीज ऑल्सो. बाद में इसका जो एरिया है वो और ब्रॉड कर दिया गया एंड द टर्म वॉज पॉपुलराइज When European power started colonizing the other countries, yes, मैंने जो अभी आपको बताया कि पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के साथ इसलिए हम डायस्पोरा को बहुत ज्यादा एसोसिएट करते हैं. सो यूरोपियन पावर्स व्हेन कॉलोनाइजेशन स्टार्टेड देन दिस पर्टिकुलर टर्म डायस्पोरा बिकेम वेरी प्रोमिनेंट एंड इट इट इज ग्रेजुअली रेफरिंग टू ऑल दोज कम्युनिटीज. लार्ज नंबर ऑफ कॉलोनाइज पीपल वर डिसलोकेटेड एंड सेंट टू अदर प्लेसेस टू वर्क एज स्लेव्स. यस, इसके बारे में आप सभी जानते हो कि स्लेव ट्रेड उस टाइम में बहुत पॉपुलर था कॉलोनाइजेशन के टाइम में. सो डिफरेंट जगह में, जैसे व्हाइट सरगासो सी में भी हम देखते हैं कि मार्टिनिक आइलैंड, करीबियन आइलैंड में जो स्लेवरी का जो सिचुएशन था वो चल रहा था. And also in case of India also, Indian laborers were also sent to Suriname, Martinique and all the other places to work as slaves. So, देखो ये जो है, it is a forceful and at the same time it is a kind of compulsion. तो उनको भेज दिया गया, मतलब जबरदस्ती उनको भेज दिया गया to do jobs as slaves or any kind of laborers, जिसके लिए वो dislocated हो रहे from one place to another. ठीक है, तो ये हर colonized country में हुआ था, including India. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आते हैं कि अनदर रीजन इज डीकोलोनाइजेशन एंड कोल्ड वॉर. डीकोलोनाइजेशन एंड कोल्ड वॉर इज ऑल्सो अनदर रीजन. यस, सुरीनाम इन ओकोंको, वेरी गुड. ओकोंको, सॉरी, ओरोनोको इज सेट इन सुरीनाम. यस, सॉरी. सो अनदर रीजन इज डीकोलोनाइजेशन. अब डीकोलोनाइजेशन किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है डायस्पोरा को? बिकॉज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, स्प्रेडिंग ऑफ फ्री ट्रेड एंड इंक्रीजिंग ऑफ कैपिटल फ्लोज, सॉरी, इंक्रीजिंग ऑफ कैपिटल फ्लोज हैज एक्सिलरेटेड द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस कंट्रीज एंड कल्चर्स. हेलो दिव्या, गुड इवनिंग, वेलकम. सम आर वॉलेंटरी माइग्रेशन, सम आर फोर्स्ड, विच मीन्स कि ग्लोबलाइजेशन के टाइम में, देखो अभी तो इंडिया हैज बीन डीकोलोनाइज्ड, अगर हम हिस्टोरिकली बात करें, जो दो एनगू की बात थी इज टॉकिंग अबाउट डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड, बट स्टिल वी कैन से दैट इंडिया इज डीकोलोनाइज्ड, राइट. बट अभी क्या डायस्पोरा नहीं है? जरूर है, बिकॉज इस टाइम में क्या रीजन चल रहा है? ग्लोबलाइजेशन एंड फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म, ये सारे के सारे जो कंटेम्पोररी चीज चल रहे हैं, इट एक्चुअली एक्सिलरेटेड द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस कंट्रीज एंड कल्चर. सो द मूवमेंट ऑफ पीपल, एक जगह से दूसरे कंट्री में जाना, दूसरे कल्चर में सेटल करना, तो ये बहुत कॉमन हो चुके हैं. कई सारे इंडियंस देखो बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, या फिर वो वहाँ ही उसी जगह में वो सेटल कर जा रहे हैं. सो इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ माइग्रेशन, बट इट इज अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस कल्चर्स ये हो रहा है. तो कुछ वॉलेंटरी है, लोग अपने इंटरेस्ट से जाते हैं, राइट. बट एंड सम आर फोर्स्ड, कुछ फोर्स्ड भी है. फोर्स मतलब यहाँ पर नॉट कॉलोनाइज्ड पावर की बात नहीं हो रहा, फोर्स मतलब कंपल्शन, कि आपको जाना पड़ रहा है. यू हैव नो डिजायर टू गो, बट सर्कमस्टेंस ऐसा हो गया कि आपको बाहर जाना ही पड़ रहा है. बाहर मतलब आउटसाइड इंडिया, ठीक है. सो यस, ओरोनोको इज बाय अफ्रामेन. सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर, कि अभी भी डायस्पोरा है. तो एक कारण तो था कॉलोनाइजेशन के टाइम, जब लेबरर्स को या फिर कॉलोनाइज्ड कंट्री के जो पीपल है उनको फोर्सिबली भेज दिया जाता था. वेरी प्रोमिनेंटली हैपेंड इन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में भी हुआ था. लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है डीकोलोनाइजेशन के टाइम में, डीकोलोनाइजेशन एंड कोल्ड वॉर, तो इसमें क्या हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण कैपिटलिज्म का जो एक्सपैंड हो रहा है, कैपिटल इज कैपिटल बिकम्स द मेन पॉइंट टू माइग्रेट. तो लोग माइग्रेट कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, एंड इनमें से कुछ वॉलेंटरी है और इनमें से कुछ फोर्स्ड है, ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज देयर, ओके. नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ डायस्पोरा. तो ये हमने बात की कि ओरिजिन एंड कैसे इस टर्म का यूज चेंज हुआ. नाउ वी टॉक अबाउट फीचर्स, डायस्पोरा और डायस्पोरिक लिटरेचर, जो हमारा मेन टॉपिक है. सो डायस्पोरिक लिटरेचर का क्या मेन फीचर्स
होना चाहिए, ठीक है। यस, डायस्पोरा मीन्स लोकालिटी बेशी एंड मोबिलिटी कम, यस कह सकते हो। लाइक वेन फॉरेन कंट्रीज गिव मोर सैलरी देन नेटिव कंट्री देन पीपल लीव देयर होम। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। देखो कि इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं, कोई पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, कोई जॉब्स के लिए जा रहे हैं। तो अब बात आते हैं कि क्या सभी लोग डायस्पोरा के पार्ट है? नो, अगर आप जाओ मतलब आप अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जाओ एंड इट इज अ डायस्पोरा, दैट इज नॉट द थिंग। उनमें कुछ फीचर्स होने चाहिए। क्या फीचर्स होने चाहिए कि अगर ऐसा हो कि आपने छोड़ दिया इंडिया को एंड आपने सपोज अमेरिका में सेटल किया एंड आपने कंप्लीटली भूल गया अपने मदरलैंड को, देन इट डजंट फॉल अंडर द क्राइटेरिया ऑफ डायस्पोरा, ठीक है। तो डायस्पोरा और डायस्पोरिक लिटरेचर का क्या क्या फीचर है? उनमें एक टाइप का सैडनेस, सेंस ऑफ लॉस, सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया, ये फीलिंग्स होना चाहिए। अगर आपके कोई फीलिंग्स नहीं है अपने मदरलैंड के ऊपर, देन इट इज नॉट डायस्पोरा, ठीक है। सो मेन फीचर्स क्या है? देखो, डायस्पोरिक कम्युनिटीज आर दोज ग्रुप्स ऑफ पीपल दैट आर डिस्टेंस्ड फ्रॉम देयर होमलैंड। यस, दिस इज ट्रू। मैंने जो बताया डायस्पोरा का सेंट्रल जो फीचर है कि मोर ऑर लेस और इन एनी केस दे मस्ट बी डिस्प्लेस्ड और डिस्टेंस्ड फ्रॉम देयर होमलैंड, ये तो होना ही चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। दे मे बी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज एस्केपिंग वॉर, राइट। तो दोनों ही चीज हो सकता है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक माइग्रेंट्स। मतलब ये जो अभी पापड़ी ने बताया कि फॉरेन कंट्रीज में जब हम जाते हैं पढ़ाई करने के लिए या फिर जॉब्स करने के लिए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आप कुछ पॉलिटिकल पर्पस से या फिर इकोनॉमिकल बेनिफिट पाने के लिए आप जा रहे हो, आप माइग्रेट कर रहे हो। एंड दूसरा हो सकता है रिफ्यूजीज एस्केपिंग वॉर। नाउ दिस इज अ फोर्सफुल माइग्रेशन, कि आप वॉर से बचने के लिए आप एक रिफ्यूजी के तरह दूसरे कंट्री में आ रहे हो। सो इट कैन ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ डायस्पोरा। यस, नॉस्टैल्जिया फॉर मदरलैंड बट ऑन द अदर हैंड टू एक्सेप्ट द फॉरेन कल्चर। यस, वेरी गुड पापड़ी, दैट इज द डाइकोटॉमी, वी विल टॉक अबाउट दैट। सो ये यस, एज पापड़ी हैड सेड राइट, कि देयर इज अ काइंड ऑफ इन बिटवीननेस इन देम। देखो, उनका कोई प्रॉपर मतलब रूट नहीं है, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर मतलब अपनी मदरलैंड को छोड़ करके, वो कोई भी कंट्री हो सकता है, अपनी मदरलैंड को छोड़ करके जब वो एक दूसरे जगह में जा रहे हैं, सो देयर इज एक्चुअली अपरूटिंग समवन फ्रॉम योर नेटिव प्लेस, फ्रॉम योर कॉम्फर्ट जोन टू अ काइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो आप अपनी नेटिव कंट्री में हो, अपनी घर में हो, अपनी लोकेलिटी में हो, अपनी जगह पर हो, सो यू आर इन ए कम्फर्ट जोन। उस पर्टिकुलर जगह में हम अपने आप को बहुत सेफ फील करते हैं। जैसे देखो, ये बात हम अक्सर कहते हैं कि बाहर में जाकर कैसे एडजस्ट करूं, ठीक है। ये देखो होता है कि अगर कोई पर्सन डिसीजन लिया है कि वो बाहर पढ़ने जाएंगे, तो मे बी उसके घर वाले भी कहते हैं या फिर वो खुद भी ये कहते हैं कि मैंने जाने का तो फैसला लिया है, बट कैन आई एडजस्ट। तो ये जो एडजस्टिंग जो बात है, ये क्यों आते हैं? बिकॉज अपने नेटिव लैंड में आप बहुत ही शांति से अपने कंफर्ट जोन पर हो, आपके अगल बगल में जो लोग हैं आप उनको पहचानते हो, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेंबर सब आपने साथ है, एंड इन सब से बिछड़ कर जब आप एक दूसरे जगह में जा रहे हो, सो यू फील इनसिक्योर कि क्या होगा, क्या हम एडजस्ट कर पाएंगे वहां पर, अगर नहीं कर पाए तो क्या फिर से वापस आना होगा, देन विल इट नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो जब भी हम बाहर जाने, हम ऐसा नहीं है कि हमने सोच लिया हमने चला गया, बट बहुत सारे फैक्टर्स हमको कंसिडर करना पड़ता है कि कैन वी एडजस्ट, कैन वी मेक श्योर कि इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर, सो कैन वी लिव देयर हैप्पीली, क्या ये पॉसिबल है। सो ऑल दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस इट कम्स बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग ऑफ इन बिटवीननेस। यस, ड्यूरिंग पार्टीशन वी फील द प्रॉब्लम्स ऑफ रिफ्यूजीज। कुछ टाइम बाहर स्टडी करने आ जाना वापस डायस्पोरा होगा क्या वो? हाँ कविता, डायस्पोरा होगा, लेकिन उसके अंदर ये फीलिंग्स होना चाहिए, मतलब नॉस्टैल्जिया। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अब्रॉड में बहुत खुश है लेकिन घर वाले उसको कह रहे हैं कि भाई वापस आओ, एंड वो बहुत ही डिस्गस्टिंग तरीके से उन्होंने मदरलैंड में वापस आ गए, सो दैट इज नॉट डायस्पोरा। आपका एक कॉन्स्टेंट, जिसको हम कहते हैं बंगाली में माटिट्टा, सो दैट काइंड ऑफ थिंग, कि रूट का आप जिस नेटिव कंट्री में हो उस जगह का एक कॉन्स्टेंट रिलेशन होना चाहिए। अगर आपने सारी रिलेशन ब्रोक कर दिया, सो देयर शुड नॉट बी एनी डायस्पोरिक लिटरेचर, ठीक है। यस, पार्टीशन लिटरेचर ऑल्सो हैज, यस पार्टीशन में भी है डायस्पोरिक लिटरेचर, वहां भी रिफ्यूजीज की बात आ रही है। यस, पार्टीशन लिटरेचर में भी है डायस्पोरा। तो देयर इज अ इन बिटवीननेस का एक फीलिंग होता है। एंड ये देखो जो डेफिनेशन है डायस्पोरा का, कि डायस्पोरा इज हेटेरोजेनियस कल्चर्स, ये बहुत कॉमन चीज है जो डायस्पोरा में होता है। स्पेशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन, स्पेशियली सेपरेटेड, स्पेस डिफरेंट है,
ठीक है, लिविंग बिटवीन प्लेसेस इन देयर आइडेंटिटी एंड कल्चरल लाइफ. आइडेंटिटी एंड कल्चर, योर ओन आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी व्हिच यू विल अस्यूम इन न्यू कंट्री, योर ओन नेटिव कल्चर एंड द फॉरेन कल्चर. तो इन दोनों के बीच में कॉन्स्टेंट एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि क्या एक्सेप्ट करना है, क्या नहीं करना है, इस तरीके से बैलेंस करके चलना है, क्या हम बैलेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली द सिंबल ऑफ इन बिटवीननेस. यस, कॉन्सेप्ट ऑफ डायस्पोरा इज मोर साइकोलॉजिकल. यस, यू कैन से, अगर हम इस थ्योरी के पर्सपेक्टिव से बात करें, सो यस, इट इज मोर साइकोलॉजिकल एंड दैट इज एक्चुअली रिफ्लेक्टेड इन लिटरेचर. ठीक है, सो ये बात है. नेक्स्ट आते हैं कि और क्या क्या फीचर्स है. ऑब्सेसिव सर्च ऑफ आइडेंटिटी. नाम ये सर्च क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपके तो एक आइडेंटिटी है. व्हेनेवर यू आर लिविंग इन ए नेटिव कंट्री, सॉरी योर मदरलैंड और योर नेटिव प्लेस, यू डोंट हैव दिस आइडेंटिटी क्राइसिस, राइट. लेकिन जब भी आप बाहर के दुनिया में जाते हो, उस जगह में आपकी खुद की एक पहचान बनाना, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. दैट इज वाई दिस आइडेंटिटी क्राइसिस इज गोइंग ऑन. कि हु एम आई. नेटिव कंट्री में सब लोग हमें पहचानते हैं, बट बाहर की दुनिया में हाउ कैन आई एस्टेब्लिश माई सेल्फ एज अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन इन एनी फील्ड, जिस फील्ड के लिए भी आप जा रहे हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो कोई दूसरे चीज हो, चाहे वो बिजनेस हो. ठीक है, तो ये जितने भी आइडेंटिटीज की बात है, आइडेंटिटीज मदरलैंड में बहुत अच्छे से हम मैनेज कर लेते हैं, बट वट एवर इन द फॉरेन कंट्री, सो दे आर ऑब्सेस्ड. यहाँ पर किसकी बात हो रहा है, जो डायस्पोरिक लिटरेचर की बात हो रहा है, कि डायस्पोरिक लिटरेचर में एक ऑब्सेशन है विथ सर्च ऑफ आइडेंटिटी. यस ज्योति, गुड इवनिंग, वेलकम. यस भारती मुखर्जी फ्रॉम इंडिया. यस भारती मुखर्जी इज अ प्रॉपर डायस्पोरिक राइटर, एब्सोल्युटली. मैंने आपको शायद भारती मुखर्जी के क्लास में भी बताया था, उनके कई सारे नॉवेल्स में ये है. सो आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि कौन कौन मेजर राइटर है इंडियन डायस्पोरा का. यस एब्सोल्युटली, बिकॉज भारती मुखर्जी ने एक नॉवेल में ये डिस्कस भी किया कि व्हेन ही सॉरी शी एंड हर हस्बैंड व्हेन दे कम बैक टू कोलकाता, सो व्हाट इज देयर फीलिंग. भारती मुखर्जी कह रहे हैं कि मुझे ये लग रहा है कि आई एम कमिंग बैक होम, आई एम फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक, बट माई हस्बैंड इज लाइक फिश आउट ऑफ वाटर बिकॉज ही इज अ प्योर फॉरेनर, एंड जब उसको इंडियन कल्चर के अंदर आकर गिरा दिया जाता है, सो ही इज फीलिंग वेरी अनईजी, एंड वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि कब अमेरिका लौट चले. सो दैट काइंड ऑफ थिंग. यस मीना अलेक्जेंडर, किरण देसाई, वी एस नाइपाल, रशदीप, एब्सोल्युटली, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरिक राइटर्स. तो यस, हम इन राइटर्स की भी एक लिस्ट बात करेंगे. एंड देयर इज नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट, हाँ, जो मैंने अभी बताया. अब ये नॉस्टैल्जिया का दोनों टाइप हो सकता है. दिस नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट मे हैव टू टाइप्स. कौन से टू टाइप्स? वन इज रिमेंबरिंग द लॉस्ट चाइल्डहुड डेज स्पेंट इन होमलैंड, मिसिंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड अनदर इज लैक ऑफ प्रॉपर एडजस्टमेंट इन द प्रेजेंट कंट्री एंड द डिस्गस्टिंग प्रेजेंट फोर्सेस देम टू लुक बैक दे आर पास्ट. अच्छा, तो दोनों टाइप की बात हो रहा है कि नॉस्टैल्जिया तो रहेगा ही, बट नॉस्टैल्जिया दोनों टाइप से हो सकता है. यस, आवर कैशुअरीना ट्री इज ऑल्सो ए नॉस्टैल्जिक पोएम, बट दिस इज नॉट डायस्पोरिक. ठीक है, ये डायस्पोरिक नहीं है, बट हाँ नॉस्टैल्जिया जरूर है. तो नॉस्टैल्जिया दोनों टाइप का हो सकता है. एक क्या हो सकता है कि रिमेंबरिंग योर चाइल्डहुड डेज. Suppose you are living in America and whenever you are sitting alone, you are remembering your own motherland, your own friends, family, and you miss them. So this is one type कि आप याद कर रहे हो अपने पुराने दिनों के बाद. ठीक है, another क्या हो सकता है, दूसरा एक कारण हो सकता है कि feeling of disgusting, lack of proper adjustment in the present country. Suppose आप America में हो. Yes, autobiographical writing by Bharati Mukherjee. तो सपोज आप अमेरिका में हो एंड अमेरिका का जो कल्चर है, फॉरेन कल्चर है, आप उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो. सो जब आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, देन द डिस्गस्टिंग प्रेजेंट कंपेल्स यू टू लुक बैक टू देयर पास्ट और टू योर पास्ट. ठीक है, तो ये बात है. जैसे देखो मतलब ये देखो, हम अक्सर कहते हैं कि जब भी हम कोई बाहर जगह में जाते हैं और सपोज वो लौट करके आ रहे हैं, ठीक है, तो अक्सर आप ये सुनते हो कि वो कहता है कि वेरी बोरिंग लाइफ था वहां पर, मेरी मदरलैंड ही सही चीज है, बिकॉज आई कॉन्स्टेंटली रिमेंबर माई मदरलैंड एंड इट सीम्स टू मी दैट दिस इज अ बेटर प्लेस. दो यहाँ पर कई सारे डिफिशियंसीज है, बट ये बहुत अच्छा है
क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह में आई एम थॉरली डिस्गस्टेड. सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज देयर कि जब आप एडजस्ट, अगर आपने एडजस्ट कर लिया बहुत अच्छे से, देन इतना फीलिंग मतलब सैडनेस नहीं आएगा. लेकिन अगर आपने एडजस्ट नहीं कर पाई, कुछ प्रॉब्लम्स अराइज किया, तो हमको यही लग रहा है कि मतलब लगता है कि क्यों मैंने यहाँ पर आया, क्या नेटिव लैंड में और कोई बेनिफिट नहीं था? अगर वहां रहता तो और अच्छा होता, कमाई थोड़ी कम होता लेकिन शांति रहता था. लेकिन यहाँ पर पैसे तो ज्यादा आ रहे हैं बट शांति नहीं है. सो दिस काइंड ऑफ, जो मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर कि जब डिस्गस्टिंग प्रेजेंट आपका चलता है, इट ऑल्सो फोर्सेस यू टू लुक बैक टू दियर पास्ट. एक होता है कि ऑटोमेटिक जो नॉस्टैल्जिया आते हैं, एंड दूसरा होता है कि आपको आपके प्रेजेंट इतना बीटर है कि वो आपको फोर्स कर रहा है टू लुक बैक योर पास्ट. दैट कैन ऑल्सो बी. ठीक है, हेलो निशी, गुड इवनिंग, वेलकम. Diasporic literature talks about immigrant psychology. Yes, yes, it is there, Papa. It is there. Okay. So next आते हैं कि ये दोनों बहुत common term हैं, dislocation and relocation. Quite easy term. तो बहुत ज्यादा use होते हैं diasporic literature में. So dislocation means moving away from one's homeland. Dislocate हो रहे हो आप, uprooted हो रहे हो अपने motherland से, आप दूर जा रहे हो, किसी भी कारण से हो आप दूर जा रहे हो. And setting elsewhere in a long-term basis, and thus it brings a sense of loss and nostalgia. तो ये आपके dislocation की part है कि जब आप अपने motherland को छोड़ करके किसी दूसरे जगह में settle हो रहे हो for a long-term basis, for any reason, it can be forceful, it can be voluntary, जो भी reason हो आप जा रहे हो, and इसके लिए आपके अंदर एक nostalgic feeling है, sense of loss, इस type का अगर feeling है, so this is dislocation. रिलोकेशन का मतलब है जो पापड़ी ने थोड़ी देर पहले बताया था, नेगोशिएशन एंड एडजस्टमेंट इन एन एलियन प्लेस. आप जानते हो कि ऐसी सिचुएशन है कि आप बाहर, मतलब इससे, इस सिचुएशन से आप बाहर नहीं जा सकते. आपने सेटल कर दिया है, सो नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव बैक टू योर मदरलैंड. नाउ अगर आपको जीना है तो आपको किस तरीके से, जैसे मैंने बताया कि विक्टोरियन एज में जो चीज था, कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बिटवीन साइंस एंड रिलीजियन. पीपल दोनों ग्रुप में डिवाइड हो गए, एक ग्रुप रिलीजियन को सपोर्ट कर रहा है, एक ग्रुप डार्विन को सपोर्ट कर रहा है. बट अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज किया, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज. मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में. सो दैट काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर भी आपको करना है. अगर आपको जीना है तो यू कैन एडजस्ट कि हाँ, अगर इस तरीके से मैं प्लान करूँ, सो आई कैन सर्वाइव हियर. सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल आप नेगोशिएट कर रहे हो. ठीक है, मतलब आपको, आप मन से नहीं चाह रहे हो लेकिन परिस्थितियां ऐसे है कि आप नेगोशिएट कर रहे हो एंड एडजस्ट कर रहे हो टू लिव इन एन एलियन प्लेस. सो दैट इज योर रिलोकेशन. एंड जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इट रिजल्ट्स इन फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन एंड ऑल काइंड्स ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स. बट ये नेगोशिएशन और एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो. सो ये दोनों टर्म बार बार आते हैं. एक होता है अपरूटिंग फ्रॉम योर मदरलैंड और डिसलोकेटिंग फ्रॉम योर मदरलैंड. एंड नेक्स्ट स्टेप में आते हैं रिलोकेशन, मतलब नेगोशिएशन एंड एडजस्टमेंट इन एन एलियन प्लेस. ठीक है, ये दोनों टर्म बार बार आते हैं. नेक्स्ट आते हैं, हाँ, जो अभी आप सभी बात कर रहे थे, फेमस इंडियन डायस्पोरिक राइटर्स कौन कौन थे. मैं बस नाम्स यहाँ पर बता रही हूँ, नेम्स यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मतलब लंबा हो जाएगा अगर मैं ईच राइटर के बारे में बात करने जाऊँ तो. सो इंडियन डायस्पोरा का अगर हम बात करें, सो इंडियंस हु आर लिविंग आउटसाइड इंडिया फॉर एनी पर्पस आर पार्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा. यस, ये तो है, मैंने आपको अभी बताया. डायस्पोरिक फीलिंग्स अमंग इंडियंस स्टार्टेड फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस टाइम. यस, जो मैंने अभी बताया कि कॉलोनाइजेशन के टाइम से ही लोगों को बाहर जाना पड़ रहा था फॉर जॉब्स, फॉर स्टडी, फॉर नॉट एग्जैक्टली स्टडी बट फॉर जॉब्स, फॉर लेबरर्स, फॉर स्लेव्स. ठीक है, तो ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम से ही था. एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम का रीजन मैंने आपको बताया. सो फेमस राइटर्स कौन कौन थे, झुंपा लाहिड़ी, भारती मुखर्जी, वी एस नोईपॉल, सलमान रश्दी, फिरदौस कांगा, अरविंद आडिगा, अमिताभ घोष. सैडोलाइंस इज अ वेरी ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ डायस्पोरा. किरण देसाई, विक्रम सेठ, एलन सिली, हरी कुंजरू, और भी कई सारे हैं, बट दे आर द मेजर राइटर्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा. इन द डायस्पोरिक लिटरेचर, ऑन द वन हैंड, इमिग्रेंट कैनॉट प्रॉपरली एक्वायर द फॉरेन कल्चर और दे आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द फॉरेन कम्युनिटी एंड व्हेन दे रिटर्न. यस यस, दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स आर देयर. वो एक्सेप्टेड नहीं होते, वो एडजस्ट नहीं कर पाते. सो दैट इज वाई वी विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडिटी. यहाँ से ही आता है हाइब्रिडिटी का कॉन्सेप्ट, जो होमी भाभा ने बताया.
ठीक है, दिस काइंड ऑफ इन बिटवीननेस. सो दे आर ऑल फेमस राइटर्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा. एंड जो मैं शेडो लाइन्स की बात कर रही थी, मैंने शायद आपको किसी क्लास में बता भी था कि शेडो लाइन्स में कितने अच्छे से अमिताभ घोष ने डिस्क्राइब किया द डायस्पोरिक फीलिंग थ्रू द कैरेक्टर ऑफ थम. सो देखो, दोनों चैप्टर का दोनों नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है. आई थिंक आपने पढ़ा है कि गोइंग अवे एंड कमिंग होम. नाउ वेरी आर्बिट्रेरी टर्म, अपेरेंटली बहुत सिमिलर लग रहा है कि गोइंग अवे एंड कमिंग होम, ठीक है. बट एक बहुत अच्छी चैप्टर अमिताभ घोष ने लिखा है कि नैरेटर एंड थाम्मा के बीच में कन्वर्सेशन चल रहे. सो थाम्मा इज अ पर्सन ऑफ ढाका, मतलब थाम्मा का मादरलैंड है ढाका. एंड व्हेन थाम्मा एक्चुअली वांट्स टू गो बैक टू ढाका टू सी द जेठामोशाई हु इज इल, सो थाम्मा इज वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही इज सेइंग दैट आई एम गोइंग सॉरी Thama is saying that I am coming back. Yes, Thama is saying कि I am coming back. Now narrator is very narrator is just a boy. तो narrator कह रहे हैं कि क्यों आप coming back क्या रहे हो? Coming back मतलब लौट कर आना. लेकिन हम तो इसी जगह से जा रहे हैं ढाका में, तो आपको बताना चाहिए कि I am going to ढाका. Why are you saying कि I am coming to ढाका? So मतलब Thama is then saying कि no, for me ढाका is my motherland. And in that case it is a coming home because जिस जगह में मैं अभी हूँ, जिस जगह में तुम हो, जिस जगह में मैं हूँ, तो वो जगह मेरे लिए फॉरेन लैंड है. लेकिन जब भी मैं मदर लैंड में वापस आ रही हूँ, सो इट इज ए काइंड ऑफ कमिंग होम. तो नैरेटर को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों थाम्मा कह रहे कमिंग होम, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम कोलकाता टू ढाका. बट थाम्मा इज सेइंग कि नो, इट इज कमिंग होम. कोलकाता इज एन एरियन लैंड फॉर मी बिकॉज आई एम अ रेसिडेंट ऑफ ढाका, ठीक है. तो जब मैं ढाका में आ रही हूँ, सो इट इज ए कमिंग होम. जैसे देखो, अगर इंडिया अमेरिका की भी बात करो, अगर कोई अमेरिकन इंडिया में आ रहे हैं, सो व्हाट विल ही से, आई एम गोइंग टू इंडिया और आई एम कमिंग टू इंडिया. सो वेरी ब्यूटीफुल अमिताभ घोष हैज प्रेजेंटेड दैट किसी के लिए वो गोइंग है. गोइंग मीन्स ए काइंड ऑफ डिटैचमेंट. एंड किसी पर्सन के लिए वो कमिंग है, किसके लिए वो कमिंग है, जो जिसके अंदर एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग है. एंड देयर इज अ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन की थाम्मा इज डिस्क्राइबिंग हर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज जब वो उस जगह में था. हाँ, यस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, going away and coming home. Okay. So next आते हैं opinion of major theorist on diaspora. This is very important जो मैं बात करने जा रही थी. So going away and coming home. 7 PM पर class रख लो. अच्छा, पूर्वा मैं कोशिश करूँगी, ठीक है. So yes, opinions of major theorist on diaspora. यहाँ पर कौन सी चीज़ है? So फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ब्लैक अटलांटिक. मैंने शायद आपको ये बता भी था लिटररी थ्योरी टर्म्स के क्लास में, सो अगेन हम इन डिटेल देख लेते हैं. सो ब्लैक अटलांटिक, इट इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय पॉल गिलरॉय इन हिज बुक द ब्लैक अटलांटिक मॉडर्निटी एंड डबल कॉन्शियसनेस पब्लिश्ड इन 1993. क्या मीनिंग है ब्लैक अटलांटिक का? अटलांटिक वर्ल्ड वॉज डीपली अफेक्टेड बाय स्लेव ट्रेड एंड मेनी अफ्रीकन पीपल मूव टू अमेरिका. तो वो एक पर्टिकुलर रीजियन की बात कर रहे हैं, अटलांटिक एंड उसके आसपास की जो एरिया है उनकी बात करें, अटलांटिक वर्ल्ड. सो स्लेव ट्रेड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसके ऊपर आया था, अटलांटिक वर्ल्ड के ऊपर. नाउ ब्लैक अटलांटिक ये टर्म का क्या मीनिंग है? अ डिस्टिंक्ट ब्लैक कॉन्शियसनेस टेक्स बर्थ. तो देखो, जब यहाँ पर कई सारे अफ्रीकन पीपल आ रहे हैं एज अ स्लेव, तो एक डिस्टिंक्ट ब्लैक कॉन्शियसनेस, मतलब नॉट सिमिलर एज अदर ब्लैक पीपल, एक अलग टाइप का ब्लैक कॉन्शियसनेस, ब्लैक आइडेंटिटी यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं. दिस कॉन्शियसनेस इज एम्बिवेलेंट, डज नॉट रिजेक्ट द वाइट कल्चर, रादर एंगेजेस विद इट. तो ये एक ऐसा चीज है कि वो डायरेक्टली प्रोटेस्ट नहीं कर रहे अगेंस्ट वाइट कल्चर, बट ए काइंड ऑफ एंगेजमेंट. एंगेजमेंट भी बहुत ही वो वॉलेंटरी कर रहे ऐसा नहीं है, बट एक काइंड ऑफ फोर्सफुल है, जो मैंने अभी आपको बताया कि नेगोसिएशन. आप बहुत ट्रूली एक्सेप्ट कर रहे हो ऐसा नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि आपको अगर वहां पर सर्वाइव करना है तो एक टाइप का कॉम्प्रोमाइज और नेगोसिएशन जरूरी है. सो दैट काइंड ऑफ नेगोसिएशन कि आप इस व्हाइट कल्चर इतना डोमिनेंट है, आप रिजेक्ट भी नहीं कर सकते एंड आप कंप्लीटली एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते. सो एक काइंड ऑफ नेगोसिएशन की बात यहाँ पर भी हो रहा है. दैट इज व्हाई दिस कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ब्लैक पीपल. ब्लैक आइडेंटिटीज कैनॉट बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ ओनली बींग अमेरिकन और इंडियन और एनी नेटिव. सो दैट इज नॉट ब्लैक. ब्लैक पीपल और ब्लैक कॉन्शियसनेस का, यस, एलम्स ओन हाउस ऑन पार्टीशन थीम एंड डायस्पोरा ऑल्सो, यस.
So black identities cannot be understood in terms of only being American or Indian or any native. मतलब native मतलब it is black. That is black is not so simple. Paul Gilroy is saying कि black consciousness और black people के अंदर भी जो हम culture की बात करें, ऐसा हम नहीं कह सकते कि black American का जो culture है, black African का भी वही culture है. No, there is a distinct black consciousness and ये बहुत ज्यादा noticeable था उस Atlantic and उसके आसपास के area में. That is why Paul Gilroy ने ये term coin किया, black Atlantic. ठीक है. और उन्होंने क्या बताया, एक्सप्लोर और रीडिफाइन द नोशन ऑफ ब्लैकनेस बाय सैम्पलिंग एंड रीसाइक्लिंग द सोर्सेस इंक्लूडिंग ब्लैक वर्नाक्यूलर एंड पॉपुलर कल्चर इन हिस्ट्री. मतलब रीडिफाइन द नोशन ऑफ ब्लैकनेस. सो जो मैंने आपको अभी बताया कि ब्लैक इज वेरी डिफरेंट, ब्लैकनेस इज नॉट एन एब्सोल्यूट आइडेंटिटी. ब्लैक अमेरिकन्स एंड ब्लैक अफ्रीकन्स आर डिफरेंट, बट ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, उन्होंने सारे के सारे नेटिव्स को ब्लैक बना दिया. ठीक है, मतलब ब्लैक इज ए कलर ऑफ नेगेटिविटी, ब्लैक इज ए कलर ऑफ इग्नोरेंस, इस टाइप का जो भी स्टीरियोटाइप हम बात करते हैं, कॉलोनाइजर्स स्टीरियोटाइप हम जिसको कहते हैं, उस स्टीरियोटाइप में उन्होंने डाल दिया. बट इट इज नॉट सो सिंपल लाइक दैट. पॉल गिलरॉय बता रहे हैं कि ब्लैकनेस के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस है एंड इट डिपेंड्स ऑन कंट्री. So much variety is there, and that is why we must redefine the notion of blackness. Blackness doesn't mean only becoming native, but इसमें क्या है कि black culture, popular culture, black vernacular, वो अलग अलग जगह में different हो जाते हैं. Black American के लिए वो अलग है, black African के लिए वो अलग है. दोनों ही oppressed group है, but not same. ठीक है, एकदम same नहीं हो सकता, क्योंकि black consciousness is distinct. जो पॉल गिलरॉय बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाई ही हैज कॉइन्ड द टर्म ब्लैक अटलांटिक. सो ब्लैक टर्म के ऊपर यहाँ पर फोकस. सो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डायस्पोरा, बिकॉज देखो यहाँ पर जो बात हो रहा है कि दिस पर्टिकुलर पीपल जो स्लेवरी के थ्रू इस अटलांटिक जगह पर आए थे, ठीक है, मतलब इसी पर्टिकुलर जगह में जो ब्लैक पीपल थे, कॉलोनाइजर तो कह रहे हैं कि दे आर ऑल स्लेव्स, दे आर ऑल ब्लैक स्लेव्स, बट इन इतनी इजिली हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर भी डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं. ब्लैक अफ्रीकन्स है, ब्लैक अमेरिकन्स है, इंडियंस है, और भी कई सारी चीज है. सो दिस इज ऑल्सो डायस्पोरा, बट वी कैनॉट टर्म इट एज ब्लैक डायस्पोरा, इट इज ब्लैक अटलांटिक. ठीक है, दैट इज वाई पॉल गिलरॉय इज सेइंग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म में हम आते हैं, दैट इज हाइब्रिडिटी. हाइब्रिडिटी, अच्छा हाइब्रिडिटी कॉन्सेप्ट जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक टाइप का मिक्सचर. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट आप सभी जानते हो, वेरी पॉपुलर इन पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी गिवन बाय होमी भाभा इन द लोकेशन ऑफ कल्चर पब्लिश्ड इन 2004. सो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल प्लेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड. एक इंटरेक्शन की बात हो रहा है, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज, स्प्लिट आइडेंटिटीज और कॉन्शियसनेस. यस, सो हाइब्रिडिटी में क्या होता है, जब भी आप मतलब अपने नेटिव कल्चर एंड उसके साथ कोई भी फॉरेन कल्चर, दोनों के बीच में कन्फ्रंटेशन चलता है, सो आइडेंटिटी स्प्लिट हो रहा है, मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट हो सकता है कि बिकॉज योर कल्चर इज एक्चुअली मिक्सिंग अप विथ सम अनदर कल्चर. तो जो प्योरिटी था अपने नेटिव कल्चर का, वो किसी ना किसी टाइप में डिस्ट्रॉय हो रहा है, एंड योर आइडेंटिटी एज अ नेटिव इंडियन हो, अमेरिकन हो, कुछ भी हो, वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है बिकॉज सम कॉलोनाइजर इज इंटरवीनिंग इन टू योर कल्चर. यस सुमन, गुड इवनिंग, वेलकम. सो दिस काइंड ऑफ क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस जो हाइब्रिडिटी का पार्ट बन सकता है. और उन्होंने क्या कहा, द कॉलोनाइज कंट्रीज आर इन बिटवीन टू कल्चर. यस, जो मैंने अभी आपको बताया, नेटिव एंड फॉरेन दोनों कल्चर के बीच में वो खड़े हैं, एक टाइप ऑफ कन्फ्रंटिंग जोन. Their original identity is not abandoned, but they have to match or merge themselves continuously with the dominant culture for survival. Yes. Very, very, yes. Combination of two different cultures. But combination मतलब it is also a kind of forceful or awkward combination. Because देखो क्या कह रहा है कि their original identity is not abandoned. अगर इंडिया से कोई अमेरिका में जाकर सेटल हुई है, तो क्या वो इस बात को कभी इग्नोर कर सकता है कि I am an Indian? No. क्योंकि उसके बर्थ इंडिया में है, वो बचपन से किसी एक पर्टिकुलर एज तक उन्होंने इंडिया के किसी भी जगह में
हाँ है, अभी शायद वो जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या फिर कोई और काम के लिए उसे जाना पड़ रहा है अमेरिका या फिर कोई दूसरे जगह में, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया। ठीक है, जैसे देखो हम इस टाइप से राइटर्स को भी बात करते हैं, इंडियन अमेरिकन राइटर, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर, राइट। हम दोनों कंट्री को नाम मिला करके राइटर का आइडेंटिटी बनाते हैं। तो आपने लिटरेचर में भी देखा है श्रीलंकन कैनेडियन राइटर, स्पैनिश इंडियन बॉर्न स्पैनिश राइटर, ऐसा हम कहते हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं। तो दैट काइंड ऑफ थिंग कि ओरिजिनल आइडेंटिटी आप अबैंडन भी नहीं कर सकते, एंड एट द सेम टाइम टू सर्वाइव, जो मैंने अभी आपको बताया, उस पर्टिकुलर जगह में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि वहां पर आपके नेटिव कल्चर डोमिनेंट नहीं है, इट इज अ सबऑर्डिनेट कल्चर। ठीक है, अगर पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, सो कॉलोनाइजर का जो कल्चर है, मतलब ब्रिटिश कल्चर जो है, दैट इज डोमिनेंट, इंडियन कल्चर इज इन बैकफुट। तो अगर आपको सर्वाइव करना है, यू कैनॉट सर्वाइव कंप्लीटली अबैंडनिंग द ब्रिटिश कल्चर, दैट इज इम्पॉसिबल। तो क्या करना है, हमको कॉम्बिनेशन बनाना है, एक टाइप ऑफ हाइब्रिड करना है, मतलब ये करना पड़ेगा ड्यू टू सर्वाइवल। ठीक है, यस, लाइक मीना अलेक्जेंडर, हाँ, यस। सो टू मैच और मर्ज देमसेल्व्स कंटिन्यूअसली विद द डोमिनेंट कल्चर फॉर सर्वाइवल, सो दिस इज नॉट अ वेरी स्मूथ कॉम्बिनेशन और स्मूथ हार्मोनाइजेशन। आपको कंटिन्यूअसली एक टाइप ऑफ लड़ाई लड़ना पड़ रहा है विद इन योर सेल्फ, कि हाउ टू मैच, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, ताकि आपको कोई आउट ऑफ द फिश आउट ऑफ द वाटर ना समझे। ठीक है, आपको मैच करना है अपने कल्चर से, अपने नेटिव कल्चर को भी नहीं भूलना है, एंड व्हाइट पीपल के कल्चर को थोड़ा बहुत आपको लेना है, अदरवाइज यू कैनॉट सर्वाइव। तो इट कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, कई सारे टाइप्स का ये हो सकता है, नॉट ओनली फॉर दिस थिंग, लिंग्विस्टिक हो सकता है आपके लैंग्वेज, नेक्स्ट हो सकता है कल्चरल जो मैंने अभी आपको बताया, पॉलिटिकल हो सकता है, रेशियल हो सकता है, कई सारे चीज हो सकता है, बट इट इज अ हाइब्रिडिटी, ए काइंड ऑफ मिक्सचर, बट दैट मिक्सचर इज नॉट सो हार्मोनियस ब्लेंडिंग, इट इज ए काइंड ऑफ, इट इज इन ए काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो जबरदस्ती आप दोनों चीज को मिला रहे हो, दैट इज हाइब्रिडिटी। एंड इससे ही और एक कॉन्सेप्ट आया है मिमिक्री, विच इज एन एक्सटेंड और ए काइंड ऑफ, आप कह सकते हो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हाइब्रिडिटी, जहां पर क्या हो रहा है कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फॉरेन कल्चर, सम इंडियंस आर ट्राइंग टू इमिटेट, जिससे मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि बाबू नाम का एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल क्रिएशन होता है, जो बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है बंकिम चंद्र चैटर्जी इन हिज नॉवेल्स। सो इस बाबू क्लास, इट इज अ वेरी रिडिक्यूलस थिंग, कि आपको कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि ब्रिटिश पीपल हमेशा सूटेड बुटेड होकर के ड्रेस करता है, तो इतनी गर्मी में भी आप सूट पहन करके घूम रहे हो, यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, दो आपकी इंग्लिश बहुत ही पुअर है, आपको पता ही नहीं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, आपने बता दिया किसी कॉन्टेक्स्ट में, सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, इट बिकम्स रिडिक्यूलस, सो यू आर ब्लाइंडली इमिटेटिंग समवन, दैट बिकम्स मिमिक्री। बट हाइब्रिडिटी का मतलब है कि इट इज अ फोर्सफुल और ए काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्चुअल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कल्चर्स, एंड डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ डायस्पोरा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं जिस पर्टिकुलर वर्क में, दैट इज डीकोलोनाइजेशन एंड डीकोलोनाइज्ड। अल्बर्ट मेमी इज अ पर्टिकुलर थियोरिस्ट, जिन्होंने इस बुक में बताया एक थिंग, मीथ ऑफ रिटर्न इन डायस्पोरा, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, गोइंग अवे एंड कमिंग होम, सो दैट काइंड ऑफ रिटर्निंग, इसका क्या मीनिंग है, इसके बारे में अल्बर्ट मेमी ने कुछ बताया है, सो उसके बारे में हम जानेंगे। सो दैट इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास, दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो क्या बताया है अल्बर्ट मेमी ने, इट इज द पॉपुलर बिलीफ दैट द लाइफ ऑफ ए माइग्रेंट इज टेम्पोररी एंड ही और शी विल कम बैक टू हीज और हर होमलैंड आफ्टर फुलफिलिंग हीज और हर गोल। तो ये बिलीफ है कि वो कुछ पर्टिकुलर काम के लिए जा रहे हैं बाहर, एंड दिस लाइफ ऑफ माइग्रेंट इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पोररी, वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी पर्टिकुलर काम के लिए, सपोज एक साल दो साल के लिए वो दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, एंड वो जरूर अपने काम को खत्म करके वो वापस आएगा, कहां पर वापस आएगा, अपने होमलैंड में। ठीक है, ये पॉपुलर बिलीफ है, बट अल्बर्ट मेमी डज नॉट बिलीव इट। अल्बर्ट मेमी क्या कह रहे हैं कि देयर इज नेवर ए कंप्लीट इंटीग्रेशन इनटू द अडॉप्टेड सोसाइटी और कल्चर। यस, सो अल्बर्ट मेमी कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमेशा लौट कर आएगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता। सपोज किसी ने पढ़ाई के लिए गया अमेरिका में, एंड ये नहीं भी हो सकता है कि वो पढ़ाई के बाद वापस आए, हो सकता है कि वो उसको वहां पर ही एक बहुत अच्छा जॉब मिल जाए एंड वो वहां पर परमानेंटली सेटल हो जाए।
अल्बर्ट मैम नहीं कह रहे कि इट इज नॉट ट्रू कि हमेशा वो वापस आएगा अपनी मदरलैंड में बिकॉज ही हैज सम ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज मदरलैंड, दैट काइंड ऑफ इमोशनल थिंग मे नॉट बी देयर। बट क्या हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छा है वहां पर, ऐसा भी सोचना मुश्किल है। बिकॉज ही इज सेइंग कि देयर इज ए कंप्लीट, यस श्रावणी गुड इवनिंग वेलकम, सो देयर इज नेवर ए कंप्लीट इंटीग्रेशन इन टू द एडॉप्टेड सोसाइटी और कल्चर। एडॉप्टेड सोसाइटी और कल्चर मीन्स द फॉरेन कल्चर, मतलब नॉन नेटिव कल्चर आप कह सकते हो। तो जो भी सोसाइटी में आप हो उसमें आपका कंप्लीट इंटीग्रेशन इज नेवर पॉसिबल। मतलब अल्बर्ट मेमनी जो कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई पर्सन इंडिया से अमेरिका गया एंड वो वापस नहीं आए, वो अमेरिका में सेटल हो गया, तो इंडियंस क्या कहेंगे, मतलब उसके घर वाले क्या कहेंगे, हाँ वो तो गया था पढ़ाई करने में या फिर कोई जॉब्स करने में एंड वहां पर उन्होंने एडजस्ट कर लिया, वो बहुत खुश है, इसलिए वो वापस नहीं आना चाहते क्योंकि वहां पर कई सारे फैसिलिटीज है एटसेट्रा एटसेट्रा। बट अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट मेमनी इट इज नॉट ट्रू, ये सोचना बिल्कुल भी गलत है कि वो वहां पर है मतलब वो बहुत खुश है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एंड इंडियन कैन नेवर बी कंप्लीट अमेरिकन, और नेटिव पीपल कैन नेवर डिस्ट्रॉय और कैन नेवर वाइप आउट द फीचर्स ऑफ हिज नेटिव कल्चर इन साइड हिम। वो जितना भी निगेट करने की कोशिश करे ये पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई इट इज टॉकिंग अबाउट कि कंप्लीट इंटीग्रेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी वो एक प्रॉपर अमेरिकन नहीं बन पाएगा, ठीक है, इट इज नेवर पॉसिबल। दो फिजिकली अपेरेंटली हमको देख करके लगेगा कि इसका बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बट मेमनी कह रहे हैं कि इनवर्डली इट इज नॉट पॉसिबल, साइकोलॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल कंप्लीट इंटीग्रेशन इन टू द अडॉप्टेड सोसाइटी और कल्चर। मतलब वहां पर बस वो नेगोसिएशन ही हो सकता है, लेकिन कंप्लीट इंटीग्रेशन जो मदर मदरलैंड में नेटिव कल्चर में जो हो सकता है वो वहां पर नहीं पॉसिबल। देयर इज ऑलवेज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट इज हेयर एंड व्हाट इज देयर, कंपैरिजन जरूर आएगा, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने यस एज इन नेम्स एक नॉवल, वेरी वेरी नाइस। सो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर वो भूल भी गया है, वो लौट कर नहीं आना चाहते मदरलैंड में, फिर भी he or she cannot negate the influence of motherland on him or her and constant conflict automatically aayega ki india mein to aisa nahi hota yahan par kyu ho raha hai, so ye automatically aa jayega, matlab aap agar nahi bhi chaho sochne ke liye to bhi aa jayega because it is a psychological thing ki you can never completely merge into a different culture if you are born and brought up in a different culture, theek hai, so sab always a conflict rehta hai between what is here and what is there, यहाँ पर क्या है और मदरलैंड में क्या था, इस टाइप के कंपैरिजन कॉन्स्टेंट आ रहे। इट इज नॉट सो इजी टू रिटर्न बिकॉज दे आर एट ए लॉस। नाउ ये लॉस किसका है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, लॉस ऑफ कल्चर, लॉस ऑफ बिलीफ, लॉस ऑफ ट्रस्ट, लॉस ऑफ फेथ, लॉस ऑफ योर कंफर्ट, लॉस ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो इन सम केसेस, ठीक है, तो कई सारे चीज की लॉस है, मतलब बहुत ही कमी उनको लग रहा है। सो दोनों ही साइड में कमी है, इंडिया में शायद उसके मदरलैंड में कुछ कमी था इसलिए वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वो अब्रॉड चले गए, एंड अब्रॉड में जाकर उनको लग रहा कि यहाँ पर बहुत कुछ चीजें मैं मिस कर रही हूँ जो वहां पर था। सो कॉन्स्टेंटली एट ए लॉस, आप अगर वो वापस भी आए तो भी उनको लगेगा कि मैंने ये सारी चीज मिस किया है, एंड अगर वो वहां पर सेटल हो जाएगा तो भी उनको ये लगेगा कि मदरलैंड का ये सारी चीज आई एम मिसिंग फॉर एवर। सो एट एनी साइड, सो दैट इज वाई इट इज नॉट सो ईजी टू रिटर्न। हम जो मतलब अपेरेंटली हम कह देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू थ्योरी अल्बर्ट मेमनी कह रहे हैं कि इट इज नॉट सो ईजी, आप जिस तरीके से सोच रहे हो नहीं भी हो सकता है, ठीक है, दे आर एट ए लॉस। सो दीज आर द थिंग्स ऑफ डायस्पोरा जो मैंने आपको बताया। सो डायस्पोरा के कई सारे टाइप्स है, इट इज अ वेरी वास्ट एरिया, बट आई हैव ट्राइड टू सम अप ओनली द बेसिक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट जो आपके थ्योरी का पोर्शन है, लिटरेरी थ्योरी का, एंड जितने भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आई थिंक आई हैव समड इट अप। सो ओके दैट इज द एंड ऑफ टूडेज क्लास। अच्छा यहाँ पर मैं बता दूँ कल की क्लास का क्या टॉपिक रहेगा। सो टुमारो एट 7:30 AM कल सुबह की क्लास में वी विल टॉक अबाउट एलिजाबेथ गैस्केल। एलिजाबेथ गैस्केल की कल हम बात करेंगे, द फेमस ओमन नॉवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज। सो कल सुबह 7:30 बजे एलिजाबेथ गैस्केल, एंड शाम को 7:30 बजे वी विल टॉक अबाउट द एमसीक्यू सेशन जो हमने स्टार्ट की सितंबर, मतलब नॉट एमसीक्यू, पीवाईक्यू सेशन सितंबर 2013 पीवाईक्यू, जो आज भी मैंने क्लास लिया है तो उसको ही हम कल कंटिन्यू करें, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच पापड़ी। तो जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ,
And yes, if you have any doubt, if you have any query, you can ask me in the Telegram channel. And अगर आपको इस diaspora theory से related कुछ other information मिले तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, ठीक है, no problem. Okay, so thank you so much, thank you all for joining. जरूर आप like share कर देना class को and अपने दोस्तों के साथ भी इस channel को share करो ताकि वो भी subscribe कर सके. प्लीज आप बेल आइकन को भी दबा देना ताकि सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. सो दीज आर द टाइमिंग्स ऑफ द क्लासेस. सो अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग प्लीज ट्राई टू ज्वाइन लाइव एंड थैंक यू ऑल. गुड नाइट. सी यू ऑल टुमारो एट 7:30 AM. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.